हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं जयपुर फिश, और ये है मेरा गोल्ड फिश टैंक जिसको मैंने अभी कम्युनिटी टैंक में बदला है, जिसके अंदर मैंने एक कोई कार्प और एक एंजल फिश, प्लेटिनम एंजल फिश ऐड करी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक पार्टीशन लगा हुआ है और इसके अंदर एक फिश है। ये है ज्वेल फिश, जो जिसे हम ज्वेल सिकलेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअली मैं इमरजेंसी में मेरे पास आई थी, मेरे एक फ्रेंड के पास थी, उसका टैंक फूट गया था। तो उसने बोला कि यार भाई तेरे टैंक में रख ले इसको, तो मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए इसमें रखा हुआ है। फिर मैं इसको दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दूंगा, जो कि मेरे पास बड़ा वाला टैंक है उसके अंदर रख दूंगा। खैर वो स्टोरी एक अलग है, और ये स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या कि ये पार्टीशन मैंने नहीं लगाया था, मुझे ज्वेल फिश के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैंने क्या करा इसको डायरेक्ट टैंक के अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर डालने के बाद क्या हुआ कि ये ना एक दिन दो दिन दो तीन दिन तो ये आराम से रही मेरी गोल्ड फिश और कोई कार्प और एंजल फिश के साथ, और उसके बाद इसने ना फिर निप करना शुरू कर दिया। ये देखो जैसे इसका ये काट दिया ना, और ये पीछे की तरफ की जो टेल्स है ना, इसकी टेल फिन है ना, इन सबको कुतर दिया इसने पूरी तरीके से। वो तो अच्छा है मेरा ध्यान पड़ गया। और ये सब हुआ कब, जब रात को लाइट बंद करी उसके बाद। और ये जो एंजल फिश है ना, इसके भी फिन ऊपर से निप कर दिया। देखो देखो आपको दिख रहा होगा, इधर से इसको कर दिया, इसको ये बहुत ज़्यादा हो गया था, और इसका भी बहुत ज़्यादा हो गया था, कट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, पीछे की तरफ भी बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे, और कोई कार्प के तो ऊपर से गायब भी कर दिया था, पूरा का पूरा ऊपर का जो फिन है ना पूरा गायब कर दिया था, और पीछे की तरफ भी डैमेज हो गए थे। तो फिर मैंने क्या करा, मेरे पास एक पार्टीशन रखा हुआ था ये इस शीट का, तो फिर मैंने इसको उसके अंदर लगा दिया और इसको इस तरीके से होल्ड करा यहाँ पे, क्योंकि ये टैंक की साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसको लगा रहा हूँ तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है इसके अंदर फिल्टर चलने के बाद, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लगा था। और इसको रोकने के लिए नीचे की तरफ मैंने वो एक्वेरियम टॉय जो बुद्धा का है वो, और इधर की तरफ स्टोन लगा रखा है ताकि रुका रहे। और फीडिंग में कुछ इस तरीके से करता हूँ कि मुझे अंदर हार्ट डालना पड़ता है, हार्ट डालने के बाद उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऊपर करके इसको थोड़ा सा यूँ करता हूँ। और जो मेरा फूड है जो मैं आपको बता रहा था, ये पैलेट्स वाला, ये क्या सिंकिंग पैलेट्स है, तो इसको मैं डालता हूँ तो फिर ये सिंक हो जाते हैं, नीचे चल जाते हैं। मैं शीट को लुक करके और उसको लॉक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से सुबह शाम दो टाइम करना पड़ता है मुझे, जिसको जो कि काफ़ी हेडक भरा हो चुका है मेरे लिए अब, क्योंकि अब मैं इतना टाइम नहीं दे पाता, ऑफिस भी रहता है और भी काम रहता है मुझे, तो इस वजह से मैं इतना मैनेज नहीं कर पाता कि बार बार इस तरीके से इसको करूँ, और घर में मेरे अलावा कोई इस चीज़ को करने को तैयार नहीं, तो मेरे लिए क्या है थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई चीज़। अब इस फिश को मैं एक्वेरियम शॉप पर तो देने जा नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इसके कलर देख सकते हैं आप ज्वेल फिश के, सॉरी फोकस नहीं रहा, ये देखो देखा कितने अच्छे कलर से इसके, वाइब्रेंट कलर है, बिल्कुल बहुत अच्छी फिश है। और अब मैं इनके साथ इस तरीके से रखूँगा तो इनको भी बहुत दिक्कत हो रही है, अब मैं अगर इस पार्टीशन को हटा दूँगा तो फिर ये इनको परेशान करने लग जाएगी, तो ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है कि मैं इसको अलग टैंक के अंदर शिफ्ट कर दूँगा, एक टैंक में इस पर इधर की तरफ रख दूँगा जो कि मेरे पास है, और उसको रख के और उसके अंदर उसको पहले थोड़ा सा साइकिल करेंगे, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से साइकिल करूँगा टैंक को, और फिर उसके बाद इस या तो इन फिशेस को उसके अंदर ऐड कर देंगे या फिर इसको ऐड कर देंगे, देखेंगे जो भी सूटेबल होगा उस हिसाब से उसके अंदर ऐड कर देंगे, और नया टैंक सेटअप करेंगे एक अलग, और इस वाले टैंक को ऊपर वाली बारी में रख देंगे जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और इधर का व्यू भी अच्छा आ जाएगा, और एक टैंक और हो जाएगा अपने पास। और फ्यूचर में देखेंगे इसको फिश को रखना है या नहीं रखना है इसको, या फिर मैं एक्वेरियम शॉप में देके या तो गप्पी फिश लेके आऊँगा या फिर ऑस्कर फिश लेके आऊँगा, जो भी है देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। और अगर गोल्ड फिश का कोई अच्छा मुझे मिला पेयर वगैरह तो फिर मैं उसे ऐड करूँगा, देखते हैं फ्यूचर में। कोई आप बताइए कमेंट के अंदर कि कौन सी फ़िश मुझे रखनी चाहिए, एक बार आप भी सजेस्ट करिए मेरे को कि कौन सी फ़िश मुझे ऐड करनी चाहिए जो आप देखना चाहते हैं मेरे एक्वेरियम चैनल के ऊपर। तो अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो क्या हुआ एक्चुअली, मैं इसको जब इसके फिन वगैरह निक करे तो मैं सोच रहा था कि इसको मेडिसिन से वो इसको ट्रीटमेंट दूँ, जो फिश मेडिसिन आती है मेला क्योर या पीमा क्योर जो भी है, और या फिर पैरासिडोल है FW, उससे मैं इसको ट्रीटमेंट दूँ। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरा ये मेरा क्लोरीन इरेजर, सॉरी मैं इसकी लाइट चला लेता हूँ, तो ये मेरा जो क्लोरीन इरेज है एक्वा नेचर का, तो इसके अंदर एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी थी, तो उसको थोड़ा सा मेरे को कैप खुद के अपने हाथों से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है पहले, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देख सकते हैं
इस पे लिखा हुआ है कि एक्वा नेचर क्लोरीन इरेज एडवांस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एडवांस प्रीमियम क्वालिटी वाटर कंडीशनर विथ एडेड विटामिन एंड एलोवेरा विटामिन इम्प्रूव्स फिश हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, और आल्सो इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब ये बीमारियों से भी लड़ सकता है। ठीक है, इसका ये भी है, और हीलिंग पावर ऑफ एलोवेरा रिड्यूस फिश स्ट्रेस अप टू 50% एंड हील डैमेज टिश्यूज एंड वाउंड्स। तो ये जब चीज़ मैंने पढ़ी तो फिर मैं देखा क्यों ना इसे ट्राई आउट किया जाए कि अगर आपकी फिश में फिन रॉट या ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर छोटी मोटी कोई चीज़ है तो उससे अगर ये कर सकता है, उसे अगर उसे ठीक कर सकता है, मतलब छोटी मोटी बीमारी को, तो ये अपने आप में एक मेडिसिन भी हो गई, क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी है, एलोवेरा भी है, और एलोवेरा फिश की जो डिजीज़ है उसे ख़त्म करने में मदद करता है। ये मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, बट मेरी फिश करीब करीब 50% रिकवर कर चुकी है, और अब आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत ही बचा है, लेकिन अब मैं क्या, जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था ना, वो एक्चुअली में मेरे से डिलीट हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से क्या हालत थी, क्या पोजीशन थी फिश की, और अब क्या पोजीशन है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस चीज़ के लिए तो आपको मेरा थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ मैं यूज़ में लेता हूँ मैं उसी का रिव्यू करता हूँ, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा, तो जो चीज़ मैंने यूज़ में ली है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि अगर आपके फिश में छोटी मोटी जैसे एक प्रॉब्लम या ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप इससे भी ठीक कर सकते हो, तो ये मतलब कुछ हद तक ये रहेगा उसके अंदर कारगर। तो इस तरीके से आप फिश की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे इसे उससे हेल्प मिलेगी, और जो ये फिन रॉट वगैरह उस पर तो शायद ये काम कर ही जाएगा। तो इसको अगर आपको ट्राई आउट करना है तो फिर मैंने इस तरीके से कराया कि मैंने हर तीसरे या चौथे दिन इसका पानी चेंज करा है 25%, और इसी से चेंज किया है ताकि अमोनिया बिल्डअप हो जाएगा तो वो शायद डिजीज़ क्लियर अप ना हो पाए। और मैंने इसमें कोई भी एक्वेरियम सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा, क्योंकि मुझे इसी का रिजल्ट देखना था कि किस तरीके से ये काम करता है। एलोवेरा का बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है और विटामिन का बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। अभी उसका पीछे वाला फिन है वो अभी जुड़ना बाकी है, देखो वो बंद तो गया लेकिन बस वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा जो बात की बात है, लेकिन बंद तो गया, और इसका भी ऊपर वाला ये कर्व बन जाए बस इस तरीके से, जो कि ख़राब हो गया था, पूरा ही छिल गया था उसका तो पीछे का, तो अभी तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मतलब रिकवर हो गई फिश। पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यार एक ही टैंक में दो फिल्टर क्यों लगा रखे, फिश को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूँ एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा ये वाला जो फिल्टर था ये चौक हो गया था, तो जिसकी वजह से मैंने इसको इसमें छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी है। और ये वाला फ़िल्टर मैंने यूज़ में लिया है अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको देखूँ करूँ, तो इसलिए फिर मैंने इमरजेंसी के लिए मेरे पास ये वाला फ़िल्टर पड़ा था, तो मैंने जल्दी से इसको सेटअप करके इसके अंदर डाल दिया। इसको बाहर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, तो इसके बैक्टीरिया इसके अंदर बन जाएंगे अच्छी तरीके से, इस वजह से मैं इसको इसके साथ रन कर रहा हूँ। और अब इसको आज ही इसको निकाल के जो ये वाला फ़िल्टर है इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया दोनों के अंदर बन चुके हैं अब 2-3 दिन के अंदर, और अब मैं इसको निकाल करके जो नया टैंक सेटअप करने वाले हैं अपन, जो इस जगह पर लगाएंगे उसके अंदर मैं इसको यूज़ में लूँगा, ताकि जो नया टैंक है उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी बन सके। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस करूँगा, हो सका तो इसका थोड़ा सा स्पॉन्ज है उसके अंदर थोड़ा सा क्लीन भी करूँगा उसके पानी के अंदर ही, एक्वेरियम के पानी के अंदर ही, एंड फिर इसको रन कर दूँगा, जिससे ये थोड़ा सा सही भी चलने लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा चौक हो रहा है तो फिर चलने लग जाएगा। और मोटर वगैरह तो सही है इसकी, बस ये थोड़ा सा चौक ही हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह नहीं दे रहा था, ये प्रोवाइड नहीं करा रहा था, जिस तरीके से बबल्स बना रहा है उस तरीके से नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको अभी इस तरीके से छोड़ रखा है। और ये वाला जो स्पॉन्ज फिल्टर है अपना काम बहुत अच्छे से कर ही रहा है, और मुझे लगता है इस टैंक के लिए यही सूटेबल है, ये वाला मैं निकाल के और वो बड़ा वाला जो यहाँ लगाएंगे अपन इस जगह पे टैंक, उसके अंदर मैं इसको यूज़ में लूँगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है कि क्या 100% हुआ, ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि ये आज का वीडियो था। और मेरी फिश रिकवर कर रही है, स्ट्रेस फ्री है, और रिकवर भी कर रही है, फीडिंग ले रही है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने कलरेशन भी इन्होंने काफ़ी अच्छे दिखा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि डलनेस आ रही है, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रह रही है। तो अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा कम कैमरे को देख के शर्मा रही है। तो आज का वीडियो कुछ इस तरीके से था, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा वीडियो बताऊंगा मैं कि मैंने किस तरीके से टैंक को सेटअप करा, किस तरीके से उसके अंदर पानी भरा, और किस तरीके से जो भी है उसको साइकिल की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करा उसके अंदर, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा।
तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ, जो चीज़ मैं यूज़ में लेता हूँ मैं वही बताता हूँ, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट करता हूँ। तो आप भी आजमा सकते हैं इसको, एज ए मेडिसिन यूज़ में ना ले, इसे डेली बेसिस पे यूज़ में ले, ताकि अगर छोटी मोटी दिक्कत हो जो आप मतलब कोई भी वाटर कंडीशनर या एंटी क्लोरिन यूज़ में ले रहे हो उसकी जगह आप इसको यूज़ में ले, ताकि जो इसके अंदर जो एलोवेरा है वगैरह है, विटामिन है, उसका बेनिफिट आपके फिश को मिल सके और वो खुद से हील हो सके बिना किसी मेडिसिन के। तो इससे बड़ी बात, बढ़िया बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपन टैंक में कोई भी मेडिसिन डालते हैं तो उसे निकालने के लिए आपको दो तीन बार तो उसको निकालने के लिए आपको पानी चेंज करना ही पड़ता है, जब आपकी फिश रिकवर कर जाती है उसके बावजूद भी। और कई मेडिसिन तो ऐसी है जिसके अंदर आपको डॉक्टर टैंक में ही आपको फिश को मेडिसिन देनी पड़ती है, और आपके जो मेन टैंक है उसके अंदर आप फिश को मेडिकेशन नहीं दे सकते, सॉरी। तो इस वजह से अगर आप इसको यूज़ में ले रहे तो शायद ये नौबत आएगी नहीं, और अगर आई भी तो ये अपने आप में एक मेडिसिन है, तो ये रिकवर कर देगा, आप वाटर चेंज करोगे जब जब तो उस तरीके से हो जाएगी। और ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपकी फिश कितनी बीमार है या फिर उसको डिजीज़ कितनी है, ये उस चीज़ पर भी निर्भर करता है। मैंने सिर्फ इसको अभी जो ये फिन रॉट जैसी प्रॉब्लम है, फिन निपिंग जैसी, इस प्रॉब्लम के अंदर ही मैंने इसको आजमाया, मैंने और किसी डिजीज़ में नहीं अपनाया। तो मैं और किसी चीज़ का तो वेल्वेट डिजीज़ वगैरह इस पर तो मैं इसकी कोई बात बता नहीं सकता कि काम करेगा नहीं करेगा, बस इसमें तो कर रहा है। एंड एलोवेरा ही मेन सोर्स है जो चिकनाई बनाए रखेगा इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये फिश स्ट्रेस में नहीं जाएगी और अच्छे से रिकवर कर जाएगी, और अच्छा प्रोटीन खाना दे जिससे फिश जल्दी से जल्दी रिकवर करे अपने आप में, और मेडिसिन देने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ आज का वीडियो कुछ इस तरीके से था, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नया वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।